Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. पांच मिनट का समय है तो मैं प्रयास करूंगा कि जो श्रीला गुरु महाराज के श्रीमुख से सुनने का ये बहुत सुंदर अवसर प्राप्त है श्रीला गुरु महाराज का ही कुछ प्रसादी उच्चिष्ट में प्रस्तुत करूं। सर्वप्रथम श्रीला गुरु महाराज के चरण कमल में गुरु महाराज के छत्र छाया में पूर्ण रूप से आश्रय लेकर उनकी कृपा याचना करते करते यही भीख मांगता हूँ कि सही समय पर सही भाव से सही शब्दों के प्रयोग से भगवान की स्तुति हो सके। इस शरीर की माता भी उपस्थित है, मेरे माँ को भी पूर्ण रूप से दंडवत देता हूँ। सब त्रिदंडीगण यहाँ उपस्थित हैं, वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हैं, आप सबको दंडवत प्रणाम। और जो भी एकत्रित वैष्णव वैष्णवी वृंद हैं, आप कृपया यदि कोई त्रुटि हो जाए भूल हो जाए, 27 की आयु में ना भौतिक हिसाब से ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्ञान है ना विज्ञान है ना अनुभव है, तो त्रुटि गलती हो जाए आप क्षमा करें। वंशा कल्पतरु तो शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है। प्रश्न पूछा गया कि वास्तविक अमृत कहाँ पाया जाता है। अबधौ विधौ वधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वई विबुधा वदन्ति। जब ये प्रश्न पूछा गया कि वास्तव अमृत कहाँ पाया जाता है, तो जो विभूत गण हैं, जो पंडित हैं, ये पांच स्थान का उल्लेख करते हैं। पहला स्थान है अबधव, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। अबधव कहाँ पाया जाता है अमृत, तो पहला पक्ष तो ये कहता है कि महासागर में पाया जाता है अमृत, क्योंकि समुद्र मंथन की प्रसिद्ध लीला में ये प्रसिद्ध कथा हम सुनते हैं कैसे मोहिनी मूर्ति के असीम अनुकंपा से अमृत का वितरण हुआ। तो अमृत यदि पाया जाए तो अबधव महासागर में, ये एक उत्तर हुआ। दूसरा पक्ष कहता है विधव अर्थात चंद्रमा में, सोमरस पीने का जो अवसर है ये अमृत समान है। तो शायद ये कह सकते हैं कि अमृत का वास्तविक अस्तित्व या निवास स्थान चंद्रमा हो, ये दूसरा उत्तर। अब तीसरा पक्ष कहता है वधु मुख है, अमृत का वास्तविक निवास स्थान तो वधु मुख अर्थात एक सुंदर स्त्री के श्रीमुख में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब वास्तविक उत्तर हैं, अलग अलग पक्ष के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं। कई ब्रह्मचारी आँख फाड़ कर मुझे देख रहे हैं, प्रभु क्या बोल रहे हैं आप तो ये अलग अलग पक्ष का मत है, बस ये धारणाएं हैं। तो अवधव पहला पक्ष, विधव दूसरा पक्ष, दूसरा उत्तर, वधुमुखे तीसरा उत्तर। अब चौथा उत्तर यह है कि फणिनाम निवास से, सर्प लोग के जो निवासी हैं ये वास्तविक अधिकार रखते हैं अमृत पान करने का, क्योंकि महाभारत में ये प्रसिद्ध कथा है कि कैसे भीमसेन जब सर्प लोग पहुंच गए तो उनको अमृत के मटके से उनका स्वागत किया गया, 10-10 मटके पी लिए और 10,000 हाथी का बल से विभूषित हुए। तो शायद ये हो सकता है कि सर्प लोक में अमृत पाया जाए। परंतु पांचवा और आखिरी पक्ष तो ये कहता है नहीं, स्वर्गे वास्तविक अमृत यदि पाया जाए तो वो स्वर्ग में है, क्योंकि अमर कोश या शब्द कोश के हिसाब से पर्यायवाची शब्द या सामानार्थी शब्द देवताओं के लिए अमरा निर्जरा देवा स्त्री दशा विबुधा सुरा, अमर ये एक शब्द है देवताओं के लिए, तो स्वर्ग में शायद पाया जाए। तो पहला उत्तर कौन सा था, अमृत कहाँ पाया जाता है, महासागर में। दूसरा उत्तर चंद्रमा में। तीसरा उत्तर वधुमुख है। चौथा फणिनाम निवास है और पांचवा स्वर्ग। तो श्लोक कुछ ऐसा है, अबधव विधव वधुमुख है फणिनाम निवास है स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदंती। विबुधा पंडित लोग कहते हैं कि ये पांच स्थान है वास स्थान, परंतु त्रुटि है इसमें,
क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम। समुद्र में अमृत नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि अमृत समुद्र में होता तो पानी इतना खारा क्यों निकलता? पानी तो अमृत समान होना चाहिए। क्षारम, चंद्रमा में अमृत नहीं है, क्यों? क्षयम, पूर्णिमा से अमावस्या की स्थिति देखी जाती है, यदि वहां अमृत होता तो प्रति रात पूर्णिमा की रात हो। वर्धन और घटन इसलिए होता है क्योंकि वहां अमृत नहीं है। और क्षारम क्षयम पति मृतम, वधुमुख को निहारने वाले पति भी मरते हैं, एक दिन उनका भी मरण होता है, निश्चित है। तो यदि स्त्री मुख में अमृत होता तो उनको देखने वाले दर्शन करने वाले पति अमर हो जाते, पर पति मृतम। चौथा उत्तर तो यह था कि सर्प लोक में वास हो, परंतु गरलम, यदि वहां अमृत हो तो सर्प के कंठ में विष क्यों पाया जाता है, तो वहां भी नहीं है। और स्वर्ग में यदि अमृत होता तो आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां से पतन क्यों होता? तो ना महासागर में है, ना चंद्रमा में है, ना वधुमुख में है, ना सर्पलोक में है, ना स्वर्ग में है, तो है कहां? अबधौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम। यदि सुधा का निवास स्थान है कहीं तो उन्हीं उच्च कोटि उच्च श्रेणी सर्वोपरि भागवत प्रिय भागवत प्रवक्ता महाजन के कंठ में वास करता है सुधा। हमारा क्या सौभाग्य रहा है, अनंत बार माँ के घर में हम भ्रमण किए हैं, अनंत बार अलग अलग शरीर धारण करके इस ब्रह्मांड में हम भ्रमण किए हैं, अब दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें भागवत पथ पर श्रद्धा भी जागृत हो गई है। कार्तिक के पावन पर्व में श्रीमती राधारानी के ब्रज धाम में भक्तों के समक्ष उपस्थित होकर भागवत कथा का रसपान उनके श्रीमुख से हो रहा है जो भगवत जन हो। तो वास्तविक सुधा यदि कहीं है तो जिस स्थान में हमारा परम सौभाग्य है बैठने का, उपस्थित होने का, ना महासागर में अमृत है, ना चंद्रमा में अमृत है, ना वधुमुख में अमृत है, ना स्वर्गलोक में अमृत है, ना स्वर्ग में है। यदि अमृत वास्तविक भागवत अमृत कहीं बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो यहीं से हो रहा है। तो ये कहते कहते मैं विराम दे दूंगा। श्रीला गुरु महाराज ने जो अमृत पान हमें कराया है सालों साल, हम सत्शिष्य बनकर इसी अमृत को ग्रहण करने की चेष्टा करें, इसको सार ग्रहण करके श्रीमद् भागवत के अध्ययन पठन रटन मनन चिंतन को प्राधान्य जीवन में दे, नाम जप और श्रीला कृष्ण के श्री विग्रह को बारंबार प्रणाम करने की चेष्टा करें और श्रीला प्रभुपाद जी को हमारे जीवन में प्राधान्य दे। ये श्रीला गुरु महाराज के उपदेशों का सार है। यही कहते कहते मैं अल्प विराम दूंगा। वांछा कर शांति 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 ही।